हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बूस्ट अप। आज है 27 जुलाई और मैं आ चुका हूँ अपने डेली वोकैब वाले सेशन में आप लोगों के लिए। डेली वोकैब लेकर टॉप 10 वोकैब आज का मैंने नोट डाउन किया हुआ है और आप लोगों के लिए लाया हुआ है। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको रोज डेली वोकैब प्राप्त हो सके। डेली वोकैब मैं लेके आता हूँ मंडे टू सैटरडे। चलो चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले वर्ड पे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्पाइनेज। स्पाइनेज का मतलब होता है जासूसी, किसी भी चीज़ का, जैसे चोरी छिपे जो भी एजेंट होते हैं, स्पाई होते हैं। स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस। तो जासूसी करना जासूसी हो गया, ठीक है। ये एक नाउन है, टू प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को रद्द कर दिया गया हो तो वो रद्द, कैंसिलेशन, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को शेड्यूल किया गया है कि इस चीज़ को होना है अभी, और उस चीज़ को अभी किसी कारणवश उसको रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो उसके लिए एन्यूलमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्रोफोबिया। देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर। एक होता है फोबिया और मेनिया। मेनिया मतलब होता है किसी भी चीज़ से अत्यधिक प्यार, लव, ठीक है, या लत लग जाना किसी चीज़ को। लेकिन एक्रोफोबिया मतलब डर, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर। तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डरना। कोई भी बंदा हो या कोई भी इंसान हो जो ऊंचाई से डरता हो, थोड़ा सा भी वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, तो उस डर को एक्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोर्सियन। कोर्सियन का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती करना, किसी पे दबाव डाल के कोई भी काम करा लेना, ठीक है, या जबरदस्ती फिजिकल हो जाना, ज़्यादा किसी के साथ फिजिकली हो जाना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोर्सियन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपथेटिक। एपथेटिक का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल इसको कह सकते हैं। वैसा पर्सन या वैसा सिचुएशन हो गया जो क्या है कि उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा हो, वो उदासीन बन गया हो, ठीक है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एपथेटिक का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब लाभ उठाना, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना, मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से भी यूज़ कर लेना, शोषण कर देना किसी का, या तो आप किसी चीज़ को अत्यधिक यूज़ कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ कर लेना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कैंट। स्कैंट, स्कैंटी से जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम बारिश, तो स्कैंट का मतलब होता है लिटिल, बहुत ही कम, सम, स्लाइट, स्मॉल, यानी अल्प मात्रा में कोई भी चीज़ हो तो स्कैंट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जैसे दो आदमी के बीच में या किसी भी पर्सन या किसी कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के लिए जो भी एक लिखित प्रमाण जो मिलता है उसको हम लोग कोवेनेंट कहते हैं, ठीक है, एन एग्रीमेंट होता है या प्रतिज्ञा पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीजेंस। देखिए, डिलीजेंस का मतलब होता है नेवर टायर्डनेस। डिलीजेंस का मतलब नेवर टायर्डनेस, कभी जो थके नहीं, यानी लगन से काम करना, कभी भी बोर फील नहीं होना, कभी भी आप थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं, डिलीजेंस से आप काम कर रहे हैं, उसको लगन कहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का हमारा बस्क। अब देखिए, यहाँ पे बक्स है। बक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग डिजिटल जो वॉलेट होता है उसमें हम लोग क्या डॉलर वगैरह हम लोग देखते हैं, रुपी देखते हैं, तो कोई भी करेंसी हमारा हो सकता है, बक्स होता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं हमारे पास 100 बक्स है, इतना बक्स है, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग सेंटेंस ज़रूर बनाया करें, सेंटेंस से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, सेंटेंस बनाने आ जाएगा आपको, वर्ड भी बहुत जल्द से याद होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, बताएं उनको कि कैसे डेली वो कैप फ़ायदा कर रहा है, काम आ रहा है आपके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।